यो इट्स योर बॉय हनी सिंह सबको। तो अभी तो 72 फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है और इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अभी फिल्म 72 का टीजर रिलीज हुआ है जिसको लेकर काफी घमासान मचा हुआ है और चारों तरफ इस फिल्म को बैन करने की बात की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मूवी में दिखाया जाएगा कि किस तरह से एक आम इंसान को 72 के लालच में आतंकवादी बनाया जाता है और उससे कहीं भी हमले और लव जिहाद के मैटर कराए जाते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस पर पंजाबी सिंगर हनी सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। हनी सिंह ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से फिल्म 72 आ रही है और इस फिल्म का लगातार विरोध हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह फिल्म 72 में शायद कुछ कमी हो या फिर इसके मेकर में। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये फिल्म चलेगी या नहीं, क्योंकि ये पसंद और नापसंद करने वाली पब्लिक होती है। अभी हाल ही में द केरला स्टोरी रिलीज हुई थी जिससे काफी बवाल मचा था, जबकि कई इलाकों और शहरों में तो द केरला स्टोरी को बैन किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से फिल्म 72 आ रही है, शायद इसको भी बैन किया जाएगा, क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपसी भाईचारे को खत्म किया जा रहा है और देश में एक अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि मैं फिल्म 72 का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि जिस भी फिल्म से देश और आपसी भाईचारे को खत्म किया जाएगा, मैं उस फिल्म का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। तो दोस्तों इस तरह से हनी सिंह ने अपनी बड़ी बात कही है 72 फिल्म पर। बहरहाल दोस्तों आप हनी सिंह के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।